नमस्कार, पेश है क्राइम बुलेटिन। एटा में आज दर्जनों की संख्या में लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बागवाला थाना अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने एक लूट के मामले में गलत लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बागवाला पुलिस ने बीते मंगलवार को तीन आरोपियों को एक दंपत्ति से मोबाइल लूट व महिला के कान की बाली लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फरुखाबाद की कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल रामनगर के रहने वाले प्रशांत का 5 महीने का बच्चा बीमार हो गया था, जिसको उन्होंने एक झोला छाप डॉक्टर राधेश्याम को दिखाया था। उसने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि बच्चे की मौत हो गई। आरोपी फरार है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। रात में लल्ला रो मेरो डॉक्टर दिखाला मैं, तब उन्हें शिकायत करी। शिकायत बाद जा बोले कि तुम झोला की दवा लगी दवा लेना गई, तब उन्हें देखो ना बारो लल्ला का दी सुई हो कि दही लल्ला आपको पेट फूल चलो। मैं गई उन्हें ट्रेन चिच्चा चला तो पेट गई थे फूलू लल्ला, तब उन्हें कहीं भेजो कपड़ा चढ़ाओ लल्ला पेट पर। मैंने बीजू कपड़ा चढ़ा लला फिर घूमते चलो तेरे चचा तो कहीं कौन लाई मजदूर अब पैसा भेजे अब सही और जा कर मने करिए। फरुखाबाद की मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 81 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है। मार्केट में इसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये शराब हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में नदौरा निवासी विपिन, बलरामपुर जाजपुर निवासी कारिंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित बघेल कॉलोनी में बाइक ले जाने के विवाद में दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इंस्पेक्टर केडी शर्मा ने बताया कि दोनों दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। इस बीच एक दोस्त उसकी बाइक मांगकर ले गया। काफी देर बाद जब वह वापस बाइक लेकर नहीं लौटा तो नाराज दूसरे युवक ने उसको गोली मार दी। क्षेत्र में बसंत विहार कॉलोनी है, भट्टा वाला मोहल्ला है, वहाँ पे एक युवक है सचिन सप्ता। वो उसको अरविंद चौधरी नाम की किसी युवक ने उसके पैर में गोली मारी है। किस तरह की हालत है और कहाँ गया वो? उसको ट्रॉमा सेंटर से उसको आगे रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। कानपुर में इन दिनों लुटेरों का आतंक चरम पर है। दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला पनकी थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक का है, जहां अपने रिश्तेदार के घर आई एक टीचर को बाइक सवार लुटेरों ने निशाना बनाते हुए उसकी चेन लूट ली। वहीं लूट के बाद बाइक सवार लुटेरे मौके से फरार हो गए। लूट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। प्रतापगढ़ में रानीगंज थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान के दौरान 5 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में अपराध करते थे। आरोपियों के पास से 7,000 रुपए और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में बीती रात किसी बात पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना जिला अस्पताल के पास की है, जिसे वहां मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था और अब वायरल कर दिया है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।